हाय एवरीवन, तो यहाँ पर देखो भाई, मैं आया हूँ ह्युंडई में। लेकिन बारिश देखो कितनी तगड़ी हो रही है यहाँ पर, मतलब हद है यार बारिश की। ये देखो पूरा मैं ऊपर से नीचे रेनकोट में हूँ। तो भाई इस मेहनत के लिए ना सब्सक्राइब कर देना, और नहीं किया ना तो आप लोग देख लेना मैं क्या करता हूँ। क्या कर सकता हूँ यार। तो चलो चलते फटाफट से अंदर की तरफ। तो गाइस शोरूम तो आ गया हूँ यार, लेकिन कौन सी गाड़ी का शूट करूँ? ये है अपनी ह्युंडई अल्काज़ार, ये है ह्युंडई क्रेटा, ओ भाई ब्लैक वेन्यू। लेकिन यार उसका वीडियो तो बना दिया है ऑलरेडी। एक मिनट भाई, ये तो बेस मॉडल है यार ह्युंडई वेन्यू का। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, एकदम बेस। मतलब ये इतना रेयर वेरियंट है, कंपनी को भी नहीं पता ये वेरियंट वो लोग कब देंगे, और वो भी ब्लैक कलर में। भाई इसी का वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली। वहां पर देखो ये खड़ी अपनी एन लाइन, शोरूम आ चुकी है। जल्दी इसका वीडियो भी तैयार करता हूँ और अपलोड कर दूंगा। फिलहाल बात करते हैं भाई ह्युंडई वेन्यू के बेस मॉडल के बारे में, और शायद ही किसी ने इस गाड़ी का वीडियो अपलोड किया होगा। इस वेरिएंट का ई वेरिएंट आप ये देख रहे हो, प्राइसिंग है 7.53 लाख एक शोरूम। भाई ब्लैक कलर में लगता ही नहीं ये बेस मॉडल है। ये चाबी देख लो इस गाड़ी की, मेरे ख्याल से ना यहाँ पर आपको वो सेंट्रल लॉकिंग या फिर रिमोट नहीं दिया जाता, ये नॉर्मल सी कीज आपको नजर आ रही होगी। ठीक है बेस वेरियंट है, बट ब्लैक कलर भाई क्या लगता है इस गाड़ी के ऊपर। और ब्लैक कलर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना बेस मॉडल में, बाहर से तो आपको ये लगेगा ही नहीं बेस मॉडल है, क्या वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। आते हैं पीछे से, स्टार्ट कर लेते चलो क्या आगे जाना। भाई फेस लिफ्ट में जो ब्लैक कलर में जो चेंजेस उभर के आते हैं ना, वो बहुत सही लगते हैं। और ये देखो बम्पर इस गाड़ी का, बेस मॉडल से लेके टॉप एंड वेरियंट तक सेम ही बम्पर दिया है यार। मतलब देखो स्किड प्लेट वगैरह हटा देते हैं, वो चीज़ें नहीं हटाई है ह्युंडई ने, क्रेटा में हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हटाई, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। फिक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट देखो कितनी मस्त दी है साइड में, उसी के नीचे रिवर्स पार्किंग लैंप, ब्लैक ट्रीटमेंट जबरदस्त, सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट, कैमरा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये एक्सेसरीज में है, बेस वेरिएंट में ऑफकोर्स आपको नहीं मिलने वाला, तो ज़्यादा भी उम्मीदें मत रखना। यहाँ पर ये टेल लाइट्स अब एलईडी नहीं मिलेंगे, ऑफकोर्स बेस मॉडल है ये, यहाँ पर आपको ये हैलोजन ही मिलेंगे। और जो बीच में की स्ट्रिप आप देख रहे हो ना, वो जलती नहीं है, वो सिर्फ रिफ्लेक्टर्स का काम करेगी इस वेरिएंट में, लेकिन लुक बहुत मस्त देती है भाई इसमें, नो डाउट। रियर विंडस्क्रीन पर आपको डिफॉगर, टाइमर, वॉशर, वाइपर कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स ऊपर की तरफ यहाँ पर ये देख सकते हो स्टॉप लैंप माउंट, कहा गया बूट स्पेस, तो भाई ऑफकोर्स 350 लीटर्स की आपको बूट स्पेस मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी है सेगमेंट के हिसाब से डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर आपको वो पार्सल ट्रेन नहीं मिलता, साथ ही में 40-60 स्प्लिट रेशो में सीट्स नहीं मिलने वाले इस ई वेरिएंट में। बट ओवरऑल स्पेस देख रहे हो ना कितनी मस्ती है। बंद करते हैं बूट को। अब यहाँ पर ग्लोबल रैंकिंग नहीं आई है सेफ्टी की इस गाड़ी की, तो वो उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। ओवरऑल लेंथ की बात करूँ तो आपको लगभग 4 मीटर्स की लेंथ मिलती है 3995 मिलीमीटर्स की, और 2.5 मीटर्स का आपको व्हील बेस दिया जाता है। स्पेस कितनी मिलती है वो तो इंटीरियर में बात करेंगे यार उस बारे में। खैर अब यहाँ पर साइड प्रोफाइल देख लो इस गाड़ी का, रूफ रेल्स की कमी आपको डेफिनेटली लगेगी, मतलब जो बेस मॉडल को इंडिकेट कर देती है। व्हील्स यहाँ पर आपको 15 इंच के मिलने वाले स्टील में, ऑफकोर्स व्हील कैप्स का डिज़ाइन, 195 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस। अब ब्लैक लाइटिंग्स इसको दी है, बट वो दिख ही नहीं रही है ब्लैक में, और ये जो सी पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट आता है ना हर गाड़ी में, ये ब्लैक ही कलर में है, तो ये भी आपको इतना कुछ दिखेगा नहीं। नॉर्मल एंटीना दिया गया है, रूफ रेल्स आपको नहीं दिए जाते, ऑफकोर्स बेस मॉडल है तो ये तो नहीं मिलने वाले। और ये जो रेन वाइजर आप देख रहे हो ना, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, हाँ तो इसको मत समझना इस वेरिएंट में आएगा। बॉडी कलर डोर हैंडल्स ये काफ़ी अच्छी बात है भाई, मतलब वो ब्लैक मैट ब्लैक देते हैं, और देते भी तो समझ में नहीं आता क्योंकि ये ब्लैक कलर है। लेकिन यहाँ पर देखो ये फ़ायदा होता है ब्लैक कलर का, बेस मॉडल में आपको ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं ओवरव्यू, ठीक है। अब ब्लैक कलर में ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन व्हाइट कलर आप लेते ना तो डेफिनेटली आपको समझ में आता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये है ब्लैक कलर के फायदे, लेकिन नुकसान भी ऑफ कोर्स, संभालने में ना बहुत दिक्कत आती है ब्लैक कलर को, थोड़ा सा भी स्क्रैच गया ना तो लग गए। खैर फ्रंट प्रोफाइल से भी ये कहीं से भी आपको बेस मॉडल नहीं लगने वाली, ये चीज़ की तो गारंटी है, जब तक आप एकदम बारीकी से नहीं देखोगे, जैसे कि हेडलाइट वही एक चेंज है बस, बाकी तो कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बम्पर भी डिक्टो सेम दे दिया गया है। यहाँ पर पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल मिलेगी ह्युंडई की, काफ़ी मस्ती लगती है डार्क क्रोम ट्रीटमेंट के साथ, और भाई ब्लैक कलर में तो बहुत ही गजब लगती है ये। हैलोजन हेडलाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, एलईडी डीआरएस वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, टर्न इंडिकेटर्स ऊपर, ये हैलोजन ऑफ कोर्स। और बम्पर जैसे कि मैंने कहा, बेस से लेके टॉप एंड तक आपको फॉग लैंप्स दिए ही नहीं गए, तो कहाँ से क्रॉस कटिंग करेंगे। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट आपको नजर आ रही होगी। तो ये था भाई एक्सटीरियर, अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या मिलेगा देख लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो भाई क्वालिटी के लिए ना आई एम लिटरली सॉरी, मतलब मुझे पता है बहुत ख़राब क्वालिटी आ रही होगी, बट थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, मजबूरी में शूट कर रहा हूँ। खैर
इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें ना, तो इस गाड़ी के इंटीरियर की क्वालिटी भाई डेफिनेटली बेस मॉडल वाली तो आपको नहीं लगने वाली। मतलब इतने प्रीमियम इंटीरियर है ना Hyundai Venue को। अब देखो, पहले ना ऑल ब्लैक फिनिश में इंटीरियर आते थे, डिजाइन सेम ही थी, बट यहाँ पर इन्होंने डिजाइन सेम रखी लेकिन थीम ब्लैक और ग्रेज दे दिया, तो ये बहुत मस्त लगता है और बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है डेफिनेटली। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि एक्सेसरीज में फिट करवाए गए हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर ये स्टीयरिंग व्हील देख लो आप, नॉर्मल से आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगी। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स के नाम पे आपको ये कंट्रोल्स मिलेंगे जो कि मेरे ख्याल से MIDI के हैं। उसके अलावा कोई यहाँ पर ब्लूटूथ म्यूजिक टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते, ना तो ये लेदर ऐप मिलेगी ऑफ कोर्स। यहाँ पर आपको टिल्ट एडजस्टमेंट दिया गया है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट वैसे भी नहीं मिलने वाला, टॉप एंड में नहीं आता तो यहाँ पर कहाँ से मिलेगा। उसके अलावा भाई जो चीज़ मुझे पसंद आई ना वो है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऑफ कोर्स ये एनालॉग है लेकिन देखो कितना मस्त चलता है। हाँ ये देखो, ये चीज़ बहुत मस्त लगी यार, Hyundai ज़बरदस्त दी है। मतलब बेस है, बेसिक है, एनालॉग होने के बावजूद भी ये जो डायल्स है ना ये बहुत प्रीमियम लग रहे हैं मुझे। बीच में MID की इन्फॉर्मेशन भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। ये है टच स्क्रीन, ये आफ्टर मार्केट लगाई गई है बेस मॉडल में, ना तो आपको टच स्क्रीन मिलती है, ना तो टू डी म्यूजिक सिस्टम मिलता है, ना ही स्पीकर्स मिलते हैं। तो भाई ये मत बोलना यहाँ पर टच स्क्रीन दिए, टच स्क्रीन नहीं आती है बेस मॉडल में, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, आप भी चाहे तो लगवा सकते हो। तो इसके बारे में बात ही नहीं करते, जब ये नहीं आने वाला स्टैंडर्ड में तो बात क्यों करूँ। यहाँ पर ये सिल्वर ट्रीटमेंट देखो बेस मॉडल होने के बावजूद भी दिए Hyundai ने, तो बहुत मस्त है। और ऑफकोर्स भाई क्वालिटी तो बहुत प्रीमियम है, फिट एंड फिनिश लेवल बहुत अच्छे है Hyundai के, इसमें नो डाउट। नीचे की तरफ आते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको मैनुअल AC ही मिलना है, लेकिन कूलिंग बहुत अच्छी आपको मिलती है भाई इसमें, नो डाउट। नीचे की तरफ 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, सी टाइप पोर्ट, स्पेस दी गई है, वायरलेस चार्जिंग पैड ऑफ कोर्स आपको नहीं मिलने वाला। ये है भाई अपना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। ये वेरिएंट आपको सिंगल इंजन ऑप्शन, सिंगल वेरिएंट, सिंगल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ में मिलने वाला है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी स्पेस आपको नजर आ रही होगी, दो छोटे कप रख सकते हो। यहाँ पर भी एक बोतल रखने के लिए स्पेस दी गई है पीछे के पैसेंजर के लिए, और यहाँ पर भी ये स्पेस आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर भी स्पेस। ग्लो बॉक्स आपको डिसेंट साइज का मिलेगा लेकिन ये कूल्ड नहीं मिलता बेस मॉडल में। उसके अलावा यहाँ पर ये सीट्स भाई, ये भी आपको फैब्रिक मिलते हैं बेस मॉडल में, ये आफ्टर मार्केट या एक्सेसरीज का पार्ट है तो ये चीज़ें कंसीडर मत करना। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो आपको डे नाइट मैनुअल IRVM दिया गया है कुछ ऐसा, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको सनवाइजर पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, सेम चीज़ यहाँ पर, एयरबैग वार्निंग के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जाता। और भाई यहाँ पर बीच में लाइट भी नहीं मिलती इस वेरिएंट में, सिर्फ पीछे की तरफ दी गई है। उसके अलावा विजिबिलिटी तो काफ़ी अच्छी है नो डाउट, और यहाँ पर आपको ये गाड़ी दी गई है ORVM के लिए, मतलब ये जॉयस्टिक से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑफकोर्स बेस मॉडल है तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली मिलेगी ही बेस मॉडल में। भाई फ्रंट के पावर विंडोज आपको दिए जाते हैं लेकिन रियर में आपको पावर विंडोज नहीं मिलते। उसके अलावा यहाँ पर ये वाइट ट्रीटमेंट आपको नजर आ रही होगी, सिल्वर फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स, स्पेस तो दी गई है यहाँ पर, डिजाइन दी गई है, बट यहाँ पर स्पीकर वीकर आपको नहीं मिलते। ओवरऑल कम्फर्ट की बात करूँ ना तो फ्रंट में डेफिनेटली कम्फर्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, और विजिबिलिटी तो देख ही लो भाई, ब्लैक में Venue ना मेरी दिल में बैठ गई है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया ना ब्लैक का, बहुत मस्त लगती है, और ये बेस मॉडल होने के बावजूद भी बाहर से लगता ही नहीं बेस मॉडल है ब्लैक होने की वजह से। तो ये था फ्रंट, अब चलते हैं पीछे की तरफ। सबसे पहले तो भाई इसको बंद कर लेता हूँ मैं। अब देखो यार, पहले भी मैंने कहा है, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ बोलूँगा, जो Venue में इंटीरियर स्पेस है ना पीछे के लिए वो आपको डिसेंट मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है ऑफकोर्स, और सेगमेंट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कंफर्ट है ना इस गाड़ी में वो बहुत मस्त है यार। मैंने पहले भी कहा, एग्जाम्पल के तौर पर भी कहता हूँ, जो ब्रेजा है ना उसमें स्पेस आपको इससे अच्छी मिलती है फ्रेंकली, लेकिन जो कंफर्ट लेवल, सीट कंफर्ट इस गाड़ी में है ना वो ब्रेजा में नहीं है। ये खुद आप जाओगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ऑफकोर्स मैं ऑनेस्ट रिव्यू ही करता हूँ। यहाँ पर देखिए अंडर सपोर्ट आपको डिसेंट सा मिलेगा, यहाँ पर भी आपको भाई फैब्रिक सीट्स ही मिलने वाले हैं, अभी भी कह रहा हूँ ये एक्सेसरीज का पार्ट है। 40-60 स्प्लिट रेशियो आपको सीट्स नहीं मिलने वाली ऑफकोर्स, साथ ही में यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको नहीं मिलते, फिक्स्ड ही मिलेंगे। लाइट जो कि आपको यहाँ पर पीछे की तरफ मिलेगा, ये देखो एक ही दिया गया है, वो भी हैलोजन हैंडल दिख जाओगा, हैंडल दिखेगा ऊपर। और भाई जो ग्लास एरिया है ना इस गाड़ी का वो बहुत अच्छा है, साथ ही में ड्यूअल टोन फिनिश में इंटीरियर है ना तो रूमी भी डेफिनेटली फील होगा आपको। अब यहाँ पर देखो पीछे ना आपको ये लीवर दिया गया मैनुअल ऐसे ऐसे, अब यहाँ पर ना पीछे की तरफ देखो आपको मैनुअल दिया गया है ऐसे ऐसे, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, तो जो कि बेस मॉडल है तो ठीक भी है, बट अगेन ये एक टच यहाँ पर वो बटन मिल जाता ना टिक टिक पावर विंडो वाला, तो मस्त चीज़ हो जाती, बट ये भी ठीक है बेस मॉडल के हिसाब से।
बेस मॉडल में यही आता है। यहाँ पर भी देखो ये वाइट ट्रीटमेंट आपको नजर आ रही होगी। तो ओवरऑल इंटीरियर बहुत स्पेशियस डेफिनेटली नहीं है, डिसेंट स्पेस आपको मिलेगी, लेकिन कंफर्ट लेवल बहुत अच्छे है। ये डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, लग रहा है ये बेस मॉडल है गाड़ी का। वो टचस्क्रीन हटा दो तो भी नहीं लगेगा, मतलब देखो थीम या जो भी चीज़ है ना बहुत प्रैक्टिकल यहाँ पर लगती है। तो भाई ये थी अपनी Hyundai Venue, एज आई सेड बेस मॉडल होने के बावजूद भी बहुत मस्त है, और ब्लैक कलर तो भाई मेरे दिल में बैठ गया है। मतलब लोगे ना वेन्यू तो ब्लैक ही में लो, कोई भी वेरिएंट ले लो लेकिन ब्लैक मिलेगा तो ब्लैक ही लेना भाई। तो होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जल्दी से उस गाड़ी का भी मैं यहाँ पर रिव्यू करने वाला हूँ Venue N-Line का। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।